नमस्कार। आजादी के बाद लगातार भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ हर शासकों के द्वारा हो रहे सौतेली मां के व्यवहार पर अब लगी है मरहम, वो भी कब, जब जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यपाल यहां कमान कर रहे हैं और अभी तक जितनी भी उन्होंने कमान की है वो अपने आप में एक इतिहास बना गई है। यानी कि लोकप्रिय सरकार जो भी थी उसके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक तमाचा महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मारा है और अगला जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है वो कल राजभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में बनाया गया है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसमें सभी चार जम्मू कश्मीर सरकार के इस वक्त एडवाइजर और मुख्य सचिव ने मिलकर एक नया आयाम दिया है। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, के विजय कुमार, खुर्शीद अहमद गनई, के शर्मा और एडवाइजर केश करना नंद थे। आपको बताते चले कि इसमें दो राज्यपाल के सलाहकार ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में पहले ही कमान कर चुके हैं, आईजी बीएसएफ में हुआ करते थे के विजय कुमार, और खुर्शीद अहमद गनई आईएएस अधिकारी हैं और सन ऑफ द सॉयल जम्मू कश्मीर के। हालांकि तीसरे जो एडवाइजर हैं के शर्मा, वो भी सन ऑफ द सॉयल हैं, मगर उन्होंने अपनी जितनी भी सेवाएं हैं वो केंद्र सरकार को दी हैं, मगर जम्मू कश्मीर की स्थिति से अच्छी तरीके से परिचित हैं। केस कन्नारन जब दिल्ली में थे तो उनके पास बॉर्डर का प्रभार भी था, तो उस बॉर्डर के भलीभांति से परिचित हैं, और मुख्य सचिव बीवी सुब्रमण्यम की भी यही स्थिति थी। यानी कि ये ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जो जम्मू कश्मीर की स्थिति को जानते थे और सौतेली माँ का व्यवहार जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में हो रहा था उनके लिए एक राहत का कदम उन्होंने बनवाया है राज्यपाल के साथ। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगभग 210 किलोमीटर लंबी है, इसमें जम्मू डिवीजन के तीन जिला आते हैं, जिला सांबा, जिला कठुआ और जिला जम्मू। इन सीमावर्ती निवासियों को अब वही दर्जा दिया गया है जो गुलाम कश्मीर सीमा के साथ लगते हुए जम्मू कश्मीर के चार जिले, दो उत्तरी कश्मीर में और दो जम्मू डिवीजन में, यानी कि राजौरी, पुंछ, उत्तरी कश्मीर में बारामूला और कुपवाड़ा में रिजर्वेशन दी गई है। लंबे समय से मांग कर रही थी, ये मांग अब पूरी हुई है। अब इन अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती निवासियों को 3% रिजर्वेशन मिलेगी, 8% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलेगी और 10% स्टूट ट्राइब को, 20% बैकवर्ड और 2% पहाड़ी जो क्षेत्र निवासी हैं। महामहिम राज्यपाल ने जहां पर लगातार सौतेली माँ का व्यवहार लद्दाख और करगिल में भी होता रहा है उनको भी राहत दी है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर आता है और यहां पर भी यही रिजर्वेशन दी गई है जो अपने आप में एक इतिहास बन गया है।